एबीसी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:4:1. कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस. मतलब इसके अंदर हमें गेनिंग भी निकालना है, सैक्रिफाइसिंग भी निकालना है, न्यू भी निकालना है. क्या दिया है? सिर्फ और सिर्फ ओल्ड दिया है. सी एक्वायर्स 1/5 फ्रॉम, यहाँ क्या लिखा है? फ्रॉम. और कुछ जगह यहाँ लिखा है ऑफ. ऑफ कहाँ लिखा है? देखो ये लिखा. तो ऑफ एंड फ्रॉम के बीच का क्या फर्क होता है ये भी आज करेंगे, पर अभी क्या लिखा है? फ्रॉम. तो फ्रॉम पहले सीख लेते क्या होता है, फिर ऑफ करेंगे, फिर एंड में क्लास के ऑफ और फ्रॉम के बीच का डिफरेंस समरी टाइप बना के लिख लेंगे. पहले ओल्ड रेशो लिख लो 5:4:1, 1/5. सी ने लिया ए से, बी का कोई रोल नहीं है इसके अंदर, तो सी और ए की कैलकुलेशन रहेगी, बी का रेशो सेम ही निकलेगा. सबसे पहले मैं ओल्ड लिख देता हूँ, अलग अलग केसेस में अलग अलग कैलकुलेशन है तो सबके लिए एक साथ ही ओल्ड लिख देता हूँ. 5:4:1 ए पार्ट है. क्या बोल रहा है? सी एक्वायर्स 1/5 फ्रॉम ए. तो इसका मतलब ए ने अपने शेयर में से 1/5 किसको दे दिया? सी को. तो यहाँ पे क्या होएगा? सैक्रिफाइस ऑफ ए कितना हो गया? 1/5. और गेन ऑफ सी वो भी हो गया 1/5. ध्यान से सुनो, सी ने ए से 1/5 ले लिया, -5 होगा गेन में. अच्छा ये देखो, हाँ वो ठीक है, -5 1/5 होएगा वो ठीक है, बट 1/5 उसके शेयर में से, ठीक है, शेयर का नहीं है, जो हम ऑफ करेंगे ना डेट इज का, शेयर का. इसको लिटरल इंटरप्रिटेशन का लेके सिखा रहा हूं. में से, फ्रॉम का मतलब क्या हुआ? उसके शेयर में से. तो यहाँ पे 1/5 सीधा सीधा आ जाएगा, बट ऑफ की कैलकुलेशन डिफरेंट होती है, वो ऑफ वाले को आने दो, फिर करेंगे. ऐसे लिखना हो हिंदी में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है. तो अभी सैक्रिफाइस और गेन हमारे पास आ चुका है, अब कैलकुलेट करना है नया रेशियो. तो ए बी सी, अब इस कैलकुलेशन के अंदर ना मुझे तीनों का दिखाना पड़ेगा, चाहे बी में कुछ चेंज है भी कि नहीं है. अब यहाँ लिखूंगा न्यू ऑफ ए और न्यू ऑफ बी, क्योंकि न्यू निकाल रहे ना, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग नहीं निकाल रहे, वो हम यहाँ निकाल चुके. 5/10 -1/5, 4/10 +-0, कुछ भी नहीं. तो इसका तो सेम लिख दो, 4/10. ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, जो मैंने काट दिया. 4/10 इज इक्वल टू 4/10 लिख दो बस. 1/10 +1/5. अब इसको एलसीएम कैसे लेना होगा? देखो आंसर आ जाए 10 में, और 10 में ले सकते हो, तो 5×10 50 मत करना. इन दोनों का कॉमन एलसीएम क्या आता है? 10 आता है. 5 का तो 5 रहेगा, किसी चीज से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बट इधर आ जाएगा 2, क्योंकि होता है 5×2 = 10. इधर आ जाएगा 10, ठीक है, यहाँ पे तो 5 रहेगा, इधर रहेगा 1+2. अभी देखो हमारे पास न्यू रेशियो क्या आ गया? 3/4. अभी करके दिखा रहा हूँ, 2 मिनट होल्ड करो, बट इतना पहले देख लो, आंसर चेक कर लो, फिर करके दिखा रहा हूँ. जिसको एलसीएम लेना नहीं आ रहा उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी करके दिखा रहा हूँ. आंसर चेक करते हैं इसका पहले का. देखो गेन सैक्रिफाइसिंग हमारा सही आ गया और न्यू रेशो भी हमारा सही आ गया. 3/4:3 रेशो हो गया था, 1/5 ए का सैक्रिफाइस है, सी का गेन है 1/5. अब करना है सेकंड, बट उससे पहले मैं तुम्हें कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ रिड्यूस करके. इसको मिटा के करता हूँ. देखो अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से इसका आंसर आ जाएगा 50, नीचे इधर भी आ जाएगा 50. अब 5×5 = 25, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, -10, इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास 50/25 - 10 = 15. नीचे वाले का क्या आएगा? 5×5 इधर मल्टीप्लाई करोगे, इधर बीच में प्लस है क्योंकि ये एक्वायर कर रहा है, ये गेन कर रहा है, तो इसको प्लस करा जा रहा है या माइनस कर रहा है? किसी ने यहाँ पे भी मुझसे पूछा नहीं कि सर ऊपर वाले में आपने माइनस करा हुआ है, नीचे वाले में प्लस करा हुआ है. वो कैसे पता लगा मुझे? यहां से जो गेन कर रहा होगा उसको ऐड कर देंगे क्योंकि उसका शेयर बढ़ाना है, और सैक्रिफाइस कर रहा होगा जो उसको माइनस कर देंगे क्योंकि उसका शेयर घटाना है. और इधर +10, 15/50, क्रॉस मल्टीप्लाई से तुम्हारा ये आंसर आएगा, बट नीचे वाले का रहेगा 4/10, सॉरी बी का. तो अब इसको रिड्यूस करना है 10 पे, मतलब कि डिनोमिनेटर को 10 पे रिड्यूस करना है. तो अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूं, यहाँ पे 10 आ जाता है, यहाँ पे 3 आ जाता है. ये एक एक्स्ट्रा स्टेप लगेगा डिवीजन का तुम्हारा. डिनोमिनेटर कॉमन लाना जरूरी होता है,
न्यू रेशो के अंदर। अच्छा एक चीज और नोटिस करो, ये जो एक बंदा सैक्रिफाइस करेगा, ए ने जो सैक्रिफाइस करा है वही तो बी गेन कर रहा, सॉरी सी गेन कर रहा है, तो ये चीज भी ध्यान रखना, तभी गेनिंग सैक्रिफाइसिंग का टोटल सेम आता है। जो एक बंदा सैक्रिफाइस कर रहा है वो ही दोनों यहाँ पे गेन कर रहे हैं, ये देखो ये गेन कर रहे हैं ना, तो जो एक ने सैक्रिफाइस करा उतना ही दोनों गेन कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर जीरो आता है गेनिंग सैक्रिफाइसिंग का, तो इधर भी जीरो है। चलो इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। केस टू के अंदर सी एक्वायर्स 1/5 इक्वली, मतलब सी का गेन कितना है 1/5, उसने इक्वली एक्वायर करा है ए और बी से, तो इसका मतलब जो सी गेन कर रहा है वो ए और बी बराबर अपने आप से सैक्रिफाइस कर रहे हैं, अपने पास से सॉरी। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जल्दी से आ जाओ। बी पार्ट, सी एक्वायर्स 1/5 इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, तो सी का गेन कितना समझ में आ रहा है यहाँ पे 1/5, ये इसने इक्वली लिया है ए और बी से, ये चीज तो क्लियर है ना, लिखा हुआ है। तो ए ने कितना सैक्रिफाइस करा, जो सी का गेन है उसका आधा, सी का गेन कितना है 1/5, आधा कितना हुआ 1/2 करेंगे ना, उसको डिवाइड करेंगे 2 से, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? No. है 1/5, उसका आधा ए से लिया तो उसको 1/2 कर दिया, और बी से लिया तो उसको 1/2 कर दिया, तो इसका यहाँ पे आंसर आएगा 1/10, 1/10। ये समझने ही लिए था, इसकी प्रेजेंटेशन कैसे बनाएंगे वो देखते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले लिखोगे सीज गेन 1/5, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब लिखोगे बी सैक्रिफाइस, पहले ए लिख लेते हैं फिर बी सैक्रिफाइस, ऑर्डर में लिख देते हैं। 1/5 × 1/2 = 1/10, 1/5 × 1/2 = 1/10। ओल्ड रेशो क्या देख लेता हूं मैं, ओल्ड था 5/4/1, हाँ 5/4/1 है, तो अब न्यू रेशो निकाल लें, तो जो सैक्रिफाइस है उसको तो माइनस करना है उसके ओल्ड में, और जो गेन है उसको ऐड करना है, तो कर लेते हैं इसको जल्दी से, जो अपने आप कर सकता है कर ले इसको। तो यहाँ पे न्यू ए बी और सी निकाल लेते हैं, इसका था 5/10, 4/10, 1/10, इन दोनों में माइनस है, इसमें प्लस 1/5, इन दोनों में माइनस है 1/10, 1/10, तो इसका हो गया 4/10, 3/10, इनका तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है ना, सीधा सीधा देखो 10 है और माइनस करना है 4 - 1, 5 - 1, अभी यहाँ पे एलसीएम लेके कर लेते हैं, वही मैं 10 ले रहा हूँ इसका एलसीएम, तो यहाँ पे हो जाएगा 2+1, इसका आंसर आ जाएगा 3/10। तो न्यू रेशो क्या हो गया, ऐसे ना लिख के दिखाया करो एंड में, हमने अभी तक लिखा नहीं था 4:3:3, पिछले क्वेश्चन में नहीं लिखा था, तो ऐसे लिख दिया करो, बॉक्स कर दिया करो, ये न्यू रेशो हो गया। और सैक्रिफाइस यहाँ निकाल चुके, हाँ जी बोलो, इसमें ऐड सी वाले में 1/10 + 1/10 नहीं होगा जितना ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो फिर ऐसे लिख लो +1/10 + 1/10, क्योंकि दोनों सैक्रिफाइस करके सी को दे रहे हैं ना, तो 1/10 का डबल लिखा था मैंने इन दोनों का, ये 1/10 + 1/10, इसका मैंने 1/5 लिखा था, ऐसे लिखना है, ऐसे लिख लो, ऐसे लिखना, ऐसे लिख। और कोई डाउट किसी का? नहीं, जल्दी से नोट कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज आगे चलेंगे, ये मैंने एक ही स्क्रीन पे कर दिया पूरा। चलो आगे चलते हैं। ए बी सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, तो इसके अंदर न्यू दे दिया हमें 1:1:1, अब निकालना क्या रह गया, गेन या सैक्रिफाइस, तो इसका थर्ड पार्ट तो तुम कर सकते हो, किसी को डाउट है तो पूछ लो, अभी हमने ये करा है 2-3 बार इसका थर्ड पार्ट, कि ओल्ड दे दिया न्यू दे दिया और गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकालना है। अगले पे चल सकते हैं, जल्दी बताओ। यस सर, इतने जोश से, चलो अच्छी बात है। फोर्थ पे देखते हैं, सी एक्वायर्स 1/10 शेयर ऑफ ए, 1/2 शेयर ऑफ बी। अब देखना ऑफ एंड फ्रॉम का मतलब समझना है, फ्रॉम वाला तो तुम्हें मतलब समझ में आ गया ना, में से, और यहाँ पे है का,
वन टेंथ ए का और 1/2 बी का, ऐसे करना है इसको। अब इंटरप्रिटेशन मैंने तुम्हें बता दी, कैलकुलेशन देखते हैं। तो इसका डी पार्ट क्या है, ओल्ड था 5:4:1, सी एक्वायर्स 1/10 ऑफ ए, तो इसकी कैलकुलेशन पहले करने की जरूरत है। तो 1/10 ऑफ ए, तो 1/10 और ए का कितना था 5/10, तो ऑफ लिखा है ना का, तो इसको पहले मल्टीप्लाई करोगे, तो 1/10 ऑफ ए बोल रहा है ना, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 1/20। 1/20। अब ध्यान से सुनो, सी एक्वायर्स 1/10 ऑफ ए, तो इसका मतलब ए ने सैक्रिफाइस करा कितना, 1/20। 1/10 सैक्रिफाइस नहीं है, सैक्रिफाइस क्या है, अपने शेयर में से कितना दिया, तो अपने शेयर का 1/10 दिया, जो कि बनता है 1/20। तो सैक्रिफाइस ऑफ ए यहां से आ गया हमारे पास। इसके बाद सिमिलरली सैक्रिफाइस ऑफ बी निकाल लेते हैं, इसमें कितना एक्वायर करा था, एक बारी मैं चेक कर लेता हूँ, 1/2 था, 1/2, ठीक है 1/2 था, तो 1/2 ऑफ बी, तो बी का शेयर कितना, यहाँ लिख देते हैं, ऑफ को हटा देता हूं मैं इसको, 1/2 × 4/10 कर देते हैं, इसका आंसर आएगा हमारे पास 1/5। ये सैक्रिफाइस हो गया ऑफ बी। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, जो सी है वो कितना गेन करेगा, जितना ए ने सैक्रिफाइस करा प्लस बी का सैक्रिफाइस, तो यहां पे निकलेगा गेन ऑफ सी, सैक्रिफाइस ऑफ ए प्लस बी, 1/20 + 1/5, एलसीएम आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 5। कैसे करा चलो करके दिखाते हैं, 20 आ गया ना एलसीएम, तो इधर तो 1 ही रहेगा और इधर क्या आ जाएगा 4, आ जाएगा 5/20। नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके रिड्यूस कर देना, वो लेंदी प्रोसेस है, बट मैं चाहता हूँ तुम लोग ऐसे एलसीएम लेना सीखो। सर अगर 5/20 को कैंसिल करेंगे तो आंसर गलत माना जाएगा? नहीं बिल्कुल नहीं माना जाएगा, लो मैं करके दिखा देता हूँ, ये आ जाएगा 1/4। अब हम क्वेश्चन को 1/4 से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो कैंसिल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आंसर सेम आएगा, बट होता क्या है ना कि कैलकुलेशंस लंबी होती जाती है, कोई बात नहीं करके देख लेते हैं, बट मेरी मानना तो घर पे इसको 5/20 से ट्राई करना, जल्दी आ जाएगा आंसर। कैंसिल कम से कम करा करो, उसे फाइनल आंसर पे पहुंच के कैंसिल करा करो जहां जरूरत पड़ती है। अब न्यू निकालना पड़ेगा, न्यू ऑफ ए बी और सी, तो ओल्ड क्या था न्यू का 5/10, इसका सैक्रिफाइस कितना आया था, एक बारी मैं चेक कर लूं, 1/20, इसमें से माइनस करेंगे 1/20, और फिर इसका था 4/10 माइनस इसका सैक्रिफाइस था 1/5, और इसका 1/10 प्लस 1/4। अभी एलसीएम लेना है, इसका लेते हैं 40 और 4 × 1 = 4 प्लस 10, इसका आ जाएगा 14/40, इसका आएगा, इसका एलसीएम हम लेते हैं 50। देखो अभी क्या सबका अलग अलग आ रहा, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करके आंसर निकाल के फिर कॉमन लेके करने वाला हूँ, जो गिवी का डाउट आया था थोड़ा टाइम पहले, 20 − 10 = 10/50, इधर आ जाएगा, इसका मैं 20 ले सकता हूँ, तो 20 ले लेते हैं इसका, वैसे तो इसका भी 10 ले सकता था बट मैंने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, 10 − 1 = 9/20। अभी देखो सबका कॉमन कहाँ पे आ रहा है, सबके कॉमन पॉइंट पे लेके आना है, इसको थोड़ा सा 1/5 कर देते हैं, इसका 1/5 है, इसका 40 है, तो सबका देखो रिड्यूस होके 20 पे आ सकता है, तो इसको तो 20 पे रहने दो, इसको 20 करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ऊपर नीचे आ जाएगा 4/20, इसको 20 करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, 20/7, तो न्यू रेशो क्या आ गया हमारे पास 9/4/7। मैंने क्या करा, सबकी हल्के अलग अलग कैलकुलेशन कर दी, फिर ये जो लास्ट यहाँ पे आया था ना, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि सबको एक कॉमन पॉइंट पे लेके आना, तो मैंने ए में देखा 20 पे ला सकते थे सबको,
इसको डिवाइड करके ले आया, इसको मल्टीप्लाई करके ले आया। और एक चीज और देखना, जितना इसका डिनोमिनेटर आ रहा होता है ना, इन तीनों को ऐड करके उतना ही आना चाहिए। 20 आ रहा है, 7 + 4 + 11 + 9 20 ही आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही आ रहा है। अब एक बारी बुक का आंसर भी मैच कर लेते हैं। 947 हमारा आंसर था ये, सैक्रिफाइसिंग भी हमारा सही आ गया, 14 इसका गेन आ गया 5/20। इधर 1/4 जो है ना हमारा, थोड़ा सा एलसीएम डिफरेंट आ रहा था, बट 1/4 ही आएगा काट पीट के। ये देखो, अगर 1/20 और 1/5 को कॉमन टर्म्स पर लेके आए ना, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, तभी आएगा, इसकी बात कर रहे हैं, तभी आएगा 4/20। तो वहां पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:4 ये लिखा, और गेन था 5/20 ये लिखा। तो इसको चेक करना थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, बट उसने जो पूछा वो आंसर हमारा आ चुका है। अब आगे चलते हैं, डिफरेंस समझते हैं ऑफ एंड फ्रॉम का। बट पहले एक चीज बताओ, इसके अंदर कोई डाउट था इस क्वेश्चन के अंदर, या ऐसा क्वेश्चन एक और करके दिखाऊं? और फ्रॉम का डिफरेंस बता दो। ठीक है, ऐसा फिर एक होमवर्क मिलेगा। फ्रॉम का मतलब क्या हुआ? मे से, लिख लो ऐसे हिंदी में। और इसका मतलब हुआ का। तो का में हम पहले क्या करते हैं, स्टेप 1, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करके पहले सैक्रिफाइस या गेन निकाला जाता है। उसके बाद स्टेप 2, स्टेप 2 के अंदर हम न्यू रेशो निकालते हैं। अगर सैक्रिफाइस होएगा तो माइनस करना पड़ेगा, गेन होएगा तो प्लस करना पड़ेगा। ये हमने भी करा है। देखो यहाँ पे पहले हमने क्या करा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, ये मल्टीप्लाई करके सैक्रिफाइस निकाला और साथ में सी का गेन निकाला। ये स्टेप 1 था। तो पहले गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकालना पड़ेगा, उसके बाद निकलेगा न्यू, तो प्लस माइनस करके निकलेगा न्यू। और फ्रॉम में जो हमने सबसे पहले करा था, वो सीधा हमें सैक्रिफाइस गिवन होता है, सीधा सीधा माइनस कर सकते हैं। यहाँ पे सीधा सीधा देखो, ये सैक्रिफाइस गिवन था, रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ, रेड से ये सैक्रिफाइस गिवन था यहाँ पे, तो हमने सीधा सीधा उठा के माइनस कर दिया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सैक्रिफाइस या स्लैश गेन, क्योंकि एक का सैक्रिफाइस दूसरे का गेन है ना, इज गिवन। सीधा स्टेप 2 लगेगा, न्यू निकालना है। न्यू के अंदर सैक्रिफाइस का मतलब माइनस, गेन का मतलब प्लस, ऐसे लिख लो। यहाँ पे लिख दो स्किप स्टेप 1। क्यों स्किप करना है? क्योंकि गिवन है। जल्दी से नोट कर लो इसको, और इसके अंदर कुछ पूछना है तो पूछ लो।